सब्सक्राइब कीजिए टेक विद केपी को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। दोस्तों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। हर दिन की तरह आज भी आप सभी के बीच एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती ही है। और आज का एप्लीकेशन कोई एडिटिंग एप्लीकेशन नहीं है, कोई TTS नहीं है, कोई स्क्रीन रीडर नहीं है, बल्कि आज के दिन के लेवल से ये एप्लीकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग काफ़ी जानते हैं और आज के दिन के लिए तो ये बहुत ही खास है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से यूज़र हमारे ऐसे हैं जो कि संविधान को पढ़ना चाहते होंगे और इसके लिए वो यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें सर्च करते होंगे। तो क्यों ना आपको 10 बार यूट्यूब पर सर्च करने की वजह एक एप्लीकेशन ही रख ली जाए, क्योंकि संविधान तो एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपटीशन में भी बहुत कुछ इससे मिलता जुलता आता है। तो आज की इस एप्लीकेशन में आपको 22 भाग, 12 अनुसूची और 94 संशोधन, 395 अनुच्छेद इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कमी सिर्फ एक ही है कि इसमें संशोधन प्रॉपरली पूरे नहीं दिए हैं, सिर्फ इसमें 94 ही दिए हैं। लेकिन आप यदि इसको रेटिंग देते हैं तो शायद इसमें कुछ और डेवलप हो और प्ले स्टोर से हो सकता है इसका फीडबैक ऑप्शन भी आपको मिल जाए, वहाँ से आप इनको फीडबैक दे सकें तो आगे चल के इसमें काफ़ी कुछ चेंजअप हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतना भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। साथ ही आज के इस शुभ दिन 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी हमारे यूज़र्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी आज़ाद रहें। और एक चीज़ और बता दूं, एप्लीकेशन का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, साथ ही इस एप्लीकेशन का मकसद किसी एक कंट्री को नहीं, जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकते हैं। ये वीडियो जो है इंडिया के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं, हर एक पर्सन के लिए है, जो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो मिलते हैं डिटेल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस एप्लीकेशन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एप्लीकेशन का नाम है, तो हम इसको ओपन करते हैं। एक चीज़ बता दूं कि ये कोई ज़्यादा परमिशन नहीं लेता है और ना ही इसकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी है। तो हम स्वाइप करते हैं आगे। Constitution, heading, Constitution.
ये इसने हेडिंग बता दी है, उद्देशिका। ये उद्देशिका है, भाग। यहाँ से हम इनके भाग देख सकते हैं, अनुसूचियाँ। यहाँ से हम अनुसूचियाँ देख सकते हैं, संशोधन। और यहाँ से संशोधन, हिंदी। और यहाँ हमें दो लैंग्वेज मिलती हैं, हिंदी और इंग्लिश। और ये जो चेकबॉक्स है इसको अभी नॉट चेक है, मतलब ये हिंदी रीड करेगा, और मैं इसको यदि टिक कर देता हूँ तो ये इंग्लिश रीड करेगा। तो जो हिंदी रीड करना चाहते हैं तो इस टिक बॉक्स को वो ये ऑफ कर दें, और जो इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं वो इस चेक बॉक्स को ऑन कर दें, यानी ये इसको टिक कर दें। अभी ये इंग्लिश पढ़ेगा। अमेंडमेंट्स, जैसा कि इसने संशोधन को कहा। शेड्यूल्स, इसने ये अनुसूचियाँ। पार्ट्स मीन्स भाग। प्रीएम्बल, ये जो इसने, ये सारा कुछ अभी हिंदी में नहीं बताएगा, ओनली इंग्लिश में ही बताएगा। तो मैंने हिंदी सिलेक्ट की है इसलिए मैं हिंदी ही कर देता हूँ। मैंने हिंदी, यहाँ जो चेकबॉक्स था उसको अनचेक कर दिया है, अब ये हिंदी रीड करेगा। यहाँ हमें तीन टैब मिलते हैं, तो होम हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। यहाँ से आप किसी भी अनुसूची या पार्ट यानी भाग या संशोधन को सर्च कर सकते हैं, या इसके अंदर भी यदि आपको कोई करेक्ट अनुसूची मालूम है या कुछ भी तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये फेवरेट है, तो यहाँ से आप किसी भी जो पार्ट आपको खास लगता है उसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ पार्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग उद्देशिका। ये जो साइलेंट बटन है तो इसका भी मैं बता दूँ। कौन-कौन? ये होम है। कौन शेयर? यहाँ से एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। कौन रीपास? और रेट, ये प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप रेटिंग कर सकते हैं इसको। होम पर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग, ये हमारा यही आ जाता है बाहर मेन पेज पर। उद्देशिका, तो उद्देशिका बता दूं मैं आपको। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बैक। मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो पहला फोकस हमारा बैक पर जाता है। प्रीएम्बल हेडिंग, प्रीएम्बल, ये इसने इंग्लिश में इसकी हेडिंग दे दी है, आगे हिंदी पड़ेगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये इसने इसका जो भी था प्रीएम्बल ये सारा बता दिया है। तो हम यहाँ से बैक कर देते हैं। उद्देशिका है, भाग। तो उद्देशिका हमने देख लिया, इसका उद्देश्य क्या था, अब भाग देखते हैं हम। object, object, back. सारे ऑप्शन वही मिलते हैं बैक करने का। ये भाग, heading. भाग, संख्या और उसके क्षेत्र 1 से 4। यहाँ सारे भाग बता देता है, ये कितने भाग हैं इसमें और किस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, जैसा कि पार्ट वन में है 1 से 4 तक। नागरिकता 5 से 11 तक है। तो इसी तरह हर एक पार्ट में हर एक अनुच्छेद बताए गए हैं कि किस में कितने हैं। तो मैं यहाँ इस सेकंड पार्ट को ही ओपन कर देता हूँ। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बैक। ये स्टार्टिंग है, यहाँ से मैं बताता हूँ। नागरिकता 5 से 11 हेडिंग, ये इसकी हेडिंग है। यहाँ हर एक अनुच्छेद को 1 by 1 दिया है, तो इसमें सिर्फ अनुच्छेद 5 का ही दिया है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। object, object, back. ये बैक हर जगह मिलेगा। लिख 5, heading.
ये हेडिंग है, ये एक साइलेंट बटन है, एक और मिलेगा आगे। तो जो पहला साइलेंट है वो इस पार्ट को शेयर करने का है, जैसा कि अनुच्छेद 5 को किसी को शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये दूसरा साइलेंट जो है वो फेवरेट में ऐड करने का है। यदि आपको लगता है कोई पार्ट खास है, हम ज़्यादा रीड करते हैं इसे, तो आप उसे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। लेख 5 का संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये इसकी हेडिंग आ गई। 5 इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसकी माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। ये अनुच्छेद 5 का रूल्स बता दिया है कि इसमें क्या रहेगा। इसी तरह आप सारे पार्ट्स के हर एक अनुच्छेद को पढ़ सकते हैं। यहाँ सारे भाग दिए हैं, मैं लास्ट तक बता देता हूँ। इसमें रोमन में है इसलिए वो XXII पढ़ रहा है, यानी 22 भाग इसमें दिए हैं और 395 अनुच्छेद इसमें दिए हैं टोटल। तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, भाग हमने देख लिए। अनुसूचियाँ, यहाँ से आप सारी अनुसूचियाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, संशोधन और कितने संशोधन। तो संशोधन इसमें 94 है, 94 है, आगे के इसमें दिए नहीं हैं। तो यही इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि इसमें जैसा कि संशोधन हमें सुनने को और देखने को अभी मिलते हैं कि 104, 103 के समथिंग है, लेकिन इसमें माफी चाहूँगा, इनकमिंग कॉल आई, हाँ, तो इसमें 94 संशोधन ही हैं। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं। आई होप ये एप्लीकेशन आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। तो चलते चलते इस वीडियो को आप कीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और अंत में फिर आपको 73वें गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।